पर चेन्नई के गेंदबाजों ने दिखाई धार, नतीजा ये कि पंजाब को मिली करारी हार। नमस्कार, झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। अक्सर T20 को बल्लेबाजों का खेल माना जाता है, लेकिन मुंबई के मैदान पर चेन्नई के गेंदबाजों ने यह दिखाया कि जब यह वाइड बॉल चलती है तो फिर किसी की नहीं चलती। और इसका बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिला जब सिर्फ 106 रनों पर आउट हो गई पंजाब की टीम। शानदार गेंदबाजी की दीपक चहर ने, और उसके बाद मोइन अली और फाह डुप्लेसिस ने यह तय किया कि चेन्नई आईपीएल सीजन 14 की पहली जीत के साथ मैदान से बाहर आएगी। आइए इस मैच से जुड़ी पांच अहम बातों से आपको रूबरू करा देते हैं। चेन्नई ने यह मुकाबला 6 विकेट से जीता और आईपीएल सीजन 14 में अपनी पहली जीत दर्ज की। महेंद्र सिंह धोनी का यह 200वां मैच था चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ रिकॉर्ड और क्या कुछ अचीवमेंट रहा होगा उनका चेन्नई सुपर किंग के लिए। इसके अलावा दीपक चहर की बात करें, इस वाइड बॉल के साथ उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की। 4 ओवर में 13 रन दिए और 4 विकेट लिए, मैन ऑफ द मैच बने, और ये लगातार मैन ऑफ द मैच बनने का सिलसिला भारतीय खिलाड़ियों के साथ अभी तक चला रहा है। बीच में सिर्फ एक ऐसा मैच था जहां पर ग्लेन मैक्सवेल मैन ऑफ द मैच बने थे, नहीं तो अभी तक सारे के सारे भारतीय खिलाड़ी इस समय मैदान पर छाए हुए हैं। इसके अलावा बात करें पंजाब मैच कहां हारी, दरअसल पहले 6 ओवर में ही वो मैच हार गए थे, 24 रन पे 4 विकेट गिर गए और उसके बाद वो वहां से संभल नहीं पाए। और आज के मुकाबले की बात करें तो आज मुंबई और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला है, इस पर भी पूरा विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले तीन बड़ी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। मोइन अली, फाह डुप्लेसिस और मैच के हीरो रहे दीपक चहर, बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। बिल्कुल राजीव, आपने ठीक कहा। जिस तरह की घातक गेंदबाजी की दीपक चहर ने, उन्होंने दिखाया कि उनके पास क्लास है स्विंग करने की। और स्विंग जब होती है तो बड़े बड़े बल्लेबाजों की टेस्टिंग होती है, जो हमें देखने को मिला। अक्सर देखा जाता है कि वाइट बॉल स्विंग नहीं होता, लेकिन कुछ ही गेंदबाज ऐसे हैं, भुवनेश्वर कुमार देख लीजिए या दीपक चहर अभी प्रेजेंट आईपीएल में, जो गेंद को स्विंग कराते हैं। और जिस तरह आप अगर देखें, उन्होंने मयंक अग्रवाल को आउट किया राजीव, वो एक ड्रीम बॉल होगा कि बॉल लेग स्टंप पर पिच हुआ, मयंक वहाँ पर खेलने गए और उनका ऑस्टम उड़ गया। और उसके बाद उन्होंने जिस तरह की गेंदबाजी की तो पंजाब के बल्लेबाजों का के पास कोई जवाब नहीं था उनका। और मैं कहूँगा बेहतरीन गेंदबाजी की उन्होंने, और एक दिखाया कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास स्पीड हो, अगर आपके पास कंट्रोल है और अच्छा स्विंग है तो भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसका शानदार उन्होंने नज़रिया पेश किया। बिल्कुल रितेंद्र, किंग्स पंजाब किंग्स की अगर हम बात करें, बहुत धुरंधर बल्लेबाज हैं इस टीम में, और पहले मुकाबले में इसी मैदान पे 200 से ज्यादा का स्कोर भी खड़ा किया था। क्या ऐसा रीजन आप देख रहे हैं कि लगातार रेगुलर इंटरवल पे विकेट्स गिरते चले गए, चेन्नई के गेंदबाज हावी हो गए और उसके बाद नतीजा ये कि एक बहुत मामूली सा स्कोर वो खड़ा कर पाए? बिल्कुल, बहुत बड़ी हार है। और जैसे हम बात करते हैं बॉक्सिंग में मैच जब होता है 12 राउंड होते हैं, लेकिन अगर नॉकआउट पंच दिया जाए तो पहले राउंड में या दूसरे राउंड में खेल बॉक्सिंग का खत्म हो जाता है, प्रतिद्वंदी हार जाता है। तो ये नॉकआउट पंच दिया है चेन्नई ने पंजाब को, पहले 6 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया जो प्लानिंग पंजाब ने की थी 24 पे 4। और जिस तरह दीपक चहर ने बॉलिंग की, सैम करन ने बॉलिंग की, रविंदर जडेजा ने बॉलिंग की, दिस टीम चेन्नई टीम वॉज ऑन मिशन। और यहाँ पे जिस तरह लग रहा था कि पिछले मैच में किंग्स पंजाब किंग्स अच्छा कर रही है, लेकिन जैसे वो हारी है ये बहुत बड़ी हार है, इससे वापसी करना आसान नहीं होगा। और पंजाब जानती है कि अगर जल्दी वापसी नहीं करते हैं तो इस बार भी उनका आईपीएल जीतने का जो सपना है सपना ही रह जाएगा। लेकिन चेन्नई को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्लिनिकल परफॉर्मेंस, शानदार बॉलिंग और उसके बाद आके आसानी से चेस कर दिया। तो जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी को जिस जीत की जरूरत थी उनको मिल गई है। बिल्कुल, और राजकुमार जी अगर हम इस मैच के टर्निंग पॉइंट की बात करें, पिछले मैच में 91 रन बनाने वाले के राहुल का रन आउट होना आपको लग रहा है टर्निंग पॉइंट था, जिस तरह से जडेजा ने डायरेक्ट हिट किया, या आपको लग रहा है दीपक चहर ने जिस तरह से इनिशियल स्पेल डाला और सिर्फ 6 ओवर में 24 रन बना पाई पंजाब किंग्स और उनके 4 विकेट निकल गए? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण थे राजीव ये 6 ओवर में 24 रन पे जब 4 विकेट आपके गिर जाते हैं,
और आपके मेन चारों बल्लेबाज जिन पे आप टोटली डिपेंडेंट होते हो टॉप ऑर्डर के, वो आउट हो जाएं तो बहुत मुश्किल होता है। और रविंद्र जडेजा, क्या क्लास उन्होंने वो रन आउट किया, एक सिंगल विकेट दिख रहा था उनको और केएल राहुल को वो शायद अवॉइड करना चाहिए था वो रन, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग की जडेजा ने और दर्शाया कि क्यों उन्हें वर्ल्ड का बेस्ट फील्डर माना जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस मैच का, केएल राहुल का आउट होना। प्रीतेंदर, ये मैच 16 ओवर तक चला गया, थोड़ी कप्तानी और अच्छी करते अगर के राहुल तो शायद मैच और आगे जा सकता था, क्योंकि पिच पे बॉल स्विंग भी कर रहा था। जब मोहम्मद शमी ने डाले पहले दो ओवर बिल्कुल अनप्लेबल थे, फाडू प्लेसेस और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों स्ट्रगल कर रहे थे उनको खेलने में। जब लो स्कोरिंग मैच हो, आपको लग रहा है आपके मेन बॉलर्स को पूरे कोटे कराने चाहिए, 16 ओवर की जगह मैच 17-18 तक जाता, जो अंत में कभी रन रेट की बात आएगी तो शायद ये कमी बहुत खलेगी। बहुत अच्छा सीम कर रहे थे, जिस तरह से रैना को आउट किया, फिर अंबती रायडू को आउट किया शमी ने, कोई जरूरत नहीं थी मुर्गन अश्विन को लाने की वहां पर गेंदबाजी में। जी हाँ, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ यहाँ पे राजीव। केएल राहुल को कहीं ना कहीं अपनी कप्तानी पे काम करना होगा, क्योंकि कल जैसे अभी आपने कहा मैच को थोड़ा लंबा लेके जा सकते थे, चांस की बात है, विकेट्स और गिर जाती, प्रेशर और आता चेन्नई पे, विकेट भी इतना आसान नहीं था कि बॉल आपके बल्ले पे पूरा आ रहा था। तो जी हाँ, वहां पे जरूर बात करेंगे अनिल कुंबले केएल राहुल से, लेकिन जिस तरह बल्लेबाजी की है वहां पे बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और जडेजा का रन आउट जब सिंगल विकेट, जैसे अभी राजकुमार जी ने बताया राजीव, मैं साउथ अफ्रीका में जॉन्टी रोड से बात कर रहा था, वो अमूमन डायरेक्ट हिट मारते थे, तो उन्होंने बताया कि वो दिन में 1000 थ्रो मारते हैं सिंगल विकेट को एम करके, उसके बाद परफेक्शन आती है। तो जडेजा भी कुछ ऐसी श्रेणी के शानदार फील्डर हैं। तो जी हां, चेन्नई की बहुत बड़ी उमदा जीत। तो चलिए, चेन्नई जीत के हीरो रहे दीपक चहर, जिनके कहर के सामने पंजाब किंग्स के बल्लेबाज घुटने टेकते नजर आए, उनसे बातचीत की शार्दुल ठाकुर ने। आइए आपको सुनाते हैं, बड़े मजेदार अंदाज में और उन्होंने अपनी स्विंग गेंदबाजी का जिक्र किया, और जब पहला मैच हारे थे तो उसका एक्सपीरियंस कितना काम आया दूसरे मैच में, इस बात का भी उन्होंने इजहार किया। राजकुमार जी, बड़ा गिफ्ट दिया है टीम ने 200वें मैच में, आईपीएल सीजन 14 की पहली जीत, वो भी धमाकेदार अंदाज में। बिल्कुल राजीव, सबसे बड़ी बात है कि बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, 200वां मैच वो एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि कितना कॉन्फिडेंस है फ्रेंचाइजी को उनमें और किस तरह के कप्तान हैं वो कि आप 200वां मैच खेल रहे हैं। और टीम ने भी उसी तरह उनको सपोर्ट किया, वही एक बेहतरीन गिफ्ट, इससे बड़ा गिफ्ट नहीं होता किसी भी कप्तान के लिए कि वो एक ऐसा मैच जिता कर दें जो कि सामने टफ अपोजिशन हो और आशा की जा रही हो कि आप ये मैच नहीं जीतेंगे, लेकिन टीम एकजुट होकर खेली और एक शानदार गिफ्ट दिया महेंद्र सिंह धोनी को, जो वो थॉरली डिजर्व करते हैं अपने 200वें मैच में।